नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। अवैध रूप से अमानक एवं नकली उर्वरक विक्रय का मामला, 3 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश। वाराणसी तहसील के अंतर्गत बिठली गौशाला एवं परसवाड़ा तहसील के उकवा के पास आसपास के गांवों में किसानों के साथ धोखाधड़ी कर अमानक एवं नकली उर्वरक का विक्रय कर आर्थिक लाभ लिए जाने के कारण कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने रामपायली थाना प्रभारी एवं रूपझर थाना प्रभारी को जनसेवा समिति लड़सड़ा के संचालक सुरेश कुमार बिजेवार एवं बालाघाट विकास खंड के ग्राम बोरीलिंगा के अर्जुन कटरे व श्रीमती गीता कटरे के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब संचालक कृषि राजेश कुमार खोबरागड़े, उर्वरक निरीक्षक प्रतिभा टेमरे एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी SK चौधरी द्वारा 18 अगस्त को बिठली गौशाला में अमानक उर्वरक का विक्रय किए जाने की शिकायत मिलने पर आकस्मिक जांच की गई थी, जिसमें बिठली गौशाला से भोला एग्रो इंडस्ट्री जबलपुर द्वारा निर्मित 2 बैग बायो DAP 07 बैग प्रोमा DAP एवं 2 बैग प्रोमा जैविक दानेदार के पाए गए थे। गौरक्षक लोकचंद बिसेन के द्वारा बताया गया कि यह उर्वरक जनसेवा समिति लड़सड़ा के संचालक सुरेश कुमार बिजेवार द्वारा किसानों को विक्रय के लिए रखा गया है। इसी प्रकार 19 अगस्त को उर्वरक निरीक्षक मेघदूत परते के द्वारा उकवा क्षेत्र के ग्रामों को भ्रमण के दौरान पाया गया कि समनापुर के कृषक भीमराज बिसेन के यहाँ बायो DAP के 5 बैग, गुदमा के तिलकचंद पटले के यहाँ 10 बैग, रूपझर के उत्तम कटरे के यहाँ 20 बैग एवं लगमा के इंद्रजीत हरिनखेड़े के यहाँ 7 बैग बायो DAP के पाए गए थे। इस प्रकार कुल 42 बैग में 21 क्विंटल बायो DAP पाया गया था। इस संबंध में इन किसानों द्वारा बताया गया कि उकवा मोयल के CSR से संचालित बायफ संस्था के AI टेक्नीशियन अर्जुन कटरे एवं श्रीमती गीता कटरे द्वारा किसानों को विक्रय के लिए यह DAP उनके यहाँ रखा गया है। इस उर्वरक का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसके उत्पादक कंपनी भोला एग्रो इंडस्ट्री जबलपुर है व मार्केटेड बाय जन सेवा समिति लड़सड़ा है और प्रति बैग का मूल्य 1800 रुपये है। उर्वरक के बैग पर पोषक तत्व का विवरण अंकित नहीं है। यह उर्वरक निर्मित करने एवं विक्रय करने के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। प्रथम दृष्टया यह उर्वरक अमानक और नकली प्रतीत हो रहा है। किसानों के साथ धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ कमाने के कारण रामपायली थाना प्रभारी को जनसेवा समिति लड़सड़ा के संचालक सुरेश कुमार बिजेवार के विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार रूपझर थाना प्रभारी को बोरीलिंगा निवासी अर्जुन कटरे, श्रीमती गीता कटरे एवं जनसेवा समिति लड़सड़ा के संचालक सुरेश कुमार बिजेवार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। मेघदूत परते वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी परसवाड़ा एवं GL पंदराम कृषि विस्तार अधिकारी उकवा का नाम जोड़ना है। इनके द्वारा उकवा क्षेत्र में घूमकर किसानों के यहाँ छापामार कार्यवाही की गई है। परिचय, इंद्रजीत हरिनखेड़े। कहाँ रहते हो? लगमा। सोडा कहाँ से लाए? उकवा से लाए। किसके पास से? कटरे डॉक्टर के पास। नाम क्या पूरा उसका? नाम क्या करता है डॉक्टर कटरे? वो माइन में वो है। क्या है? दो डॉक्टर है। दो डॉक्टर माइन में? हाँ। कुछ संस्था में? हाँ। संस्था का नाम मालूम है? नहीं नहीं है। क्या रेट से लाए? 1350। 1350 कितनी कट्टी लाए? ये 8 कट्टी। 8 कट्टी लाया जी। अभी यहाँ कितनी कट्टी रखी है? 7 कट्टी। 1 कट्टी कहाँ है? फेंक दिया। चलो ठीक। परिचय? नेतलाल कटरे लगवा। वार्ड नंबर? 1। ग्राम पंचायत लगवा। ये बताइए, ये सोडे जो लाए हैं आप, क्या 8 कट्टी रखी है? 7 कट्टी है। हाँ। कहाँ से लाए? उकवा से लाए। उकवा से किसके पास से? वो डॉक्टर साहब अपने, जो क्या नाम उनका, अर्जुन। क्या करते हो? डॉक्टरी करते हैं ना वो। कहाँ पर? माइन में। माइन में डॉक्टरी करते हैं? कौन सी संस्था में? इलाज। अच्छा, कोई संस्था में? अच्छा, क्या रेट लाया है ये? 1300-1350 बोल रहे थे। कितनी कट्टी लाए? 7 कट्टी लाए। 7 कट्टी लाए।
कितना अभी ये बताओ टोटल कितना होता है 750 का? अब लगा लो हिसाब कितना होता है। 13 के भाव से? अच्छा, पैसे दे दिए आपने? नहीं दिए। नहीं दिए, चलो ठीक है। कितनी कट्टी लाए थे? 7। कितनी कट्टी बची है अभी हमारे पास? बची है 2, 4, 6, 7 बची है। 8 कट्टी लाए थे। 8 कट्टी लाए थे। ये बताए कौन कौन मिल के लाए थे? पिंटू भैया और मैं। पिंटू कौन है? हमारा भतीजा है। भतीजा। तिलक राम पटले। कहाँ रहते हो? गुदमा। क्या करते हो? खेती करते हैं हम। ये जो सोडा आप क्या रखा है? हाँ। क्या चीज है ये? क्या चीज है मैं क्या जानू? सोडा नहीं, सोडा कौन सा सोडा है मतलब? अच्छा, किसने ला के दिया है? ये अर्जुन कटरे गढ़वाल ने। क्या नाम है उसका मालूम है? मेरे को नाम। कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं लिंगापुरी। लिंगापुरी काय के ला के दिए है? खेती मारने के लिए दिए। आपको? मेरे को नहीं दिए, बोले कोई भी अगर आता है तो बेच देना। बेच देना, इधर देखिए, इधर देखिए, बेच देना। क्या रेट बेचना? आप रेट भी नहीं बताए, मैं पूछा भी नहीं हूँ, कोई ग्राहक मेरे पास आया नहीं, मैं पूछा। अच्छा, रेट बस बेच देना बस। जब कोई ग्राहक आएगा तब फोन लगा के पूछूंगा जी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा नाम मेघदूत पड़ते हैं। अच्छा सर, मीडिया को ये जानकारी मिली है कि आप छापा मारने आए थे नकली सोडा में? हाँ हाँ, आया था ना, क्षेत्र में आया हुआ था। हाँ, तो वहाँ मैं समनापुर और लगमा गुदमा और रूपझर निरीक्षण के दौरान पर इन चार जगहों पर जो है जो अपना ये है बायो डीएपी करके एक है। अच्छा, है ना, वो मिला है हमें जिसको हमने जब्ती करके प्राथमिक सहकारी कृषि शाख सहकारी समिति हुआ। अच्छा, उनके सुपुर्दनामा किया है। क्या है, कौन सी कंपनी का है सर वो? ये भल्ला एग्रो इंडस्ट्रीज का बताया जा रहा है, और इसमें जो वितरक है वो जो है वो लड़सड़ा का है, कोई जनसेवा सोसाइटी है। हाँ, तो उनके माध्यम से आया हुआ है ये। अच्छा, प्रतिबंधित करके जो है इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना जो हुआ है इसके सुपुर्दनामा बनाया है, कल इस पर जो है FIR की कार्रवाई की जाएगी। किन के ऊपर FIR की कार्रवाई होगी सर? संबंधित कंपनी के संचालक एवं जिन्होंने वितरण किया। अच्छा, उन तीनों के खिलाफ में जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय सर? मेरा नाम मेघदूत पड़ते हैं, मैं उर्वरक निरीक्षक हूँ, विकासखंड परसवाड़ा। गुड, मिलते हैं अगली बार नई और ताज़ा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ MPCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।